जेल जा रहा हूं। इतने सारे अखबारों में, इतने सारे नेताओं ने तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूरों के साथ हुआ उसके बारे में खबरें प्रकाशित की, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया सब लोगों ने, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पड़ी रही। मेरा खाता भी फ्रीज कर दिया गया, उसमें जो है 42 लाख रुपया मिला है। कमाल की बात यह है कि 42 लाख रुपया के लिए आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि कहीं भी किसी भी स्टेट का पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, और उसमें भी 42 लाख रुपया घर में नहीं पाया गया, 42 लाख रुपया खाता में मिला है। खाता से तो आधार कार्ड पैन कार्ड सब लिंक रहता है, खाता से तो जो है पैसा आ रहा है और उसपे जो है टैक्स जा रहा है सबको पता है। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे भारत के न्यायाधीशों पे भरोसा है, इंसाफ वो करेंगे, मेरा भी दुख दर्द देखेंगे, मैं सही साबित होके निकलूंगा। और हाँ, आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, जितने भी मुझे चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि मैं आज जो है चर्चा का विषय बना हूँ। मेरे पीछे जो है युवराज तेजस्वी यादव जो है वो लगे हुए हैं। तो चलिए ठीक है, बस आप लोग जो है ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और ना जाने मैंने कितने माओं के आंखों का आंसू पोंछा है। उम्मीद है कि उनके बेटे जो है मेरे माँ का भी आंखों का आंसू पोंछेंगे और उनके आंखों में आंसू आने नहीं देंगे, उम्मीद है। और ये लड़ाई है, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा बिहार जो है फिर से नया बिहार, सपनों का बिहार और उम्मीदों का बिहार ना बन जाए। पहला राष्ट्रपति